हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको डिजाइनर स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। तो देखिए, मैंने इसके लिए पूरा ब्लाउज है वो स्टिच कर लिया है। इस ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप इसे जरूर से देखिएगा। देखिए, मैंने बैक में इस तरह की इसमें डिजाइन बनाई है। ये ब्लाउज मैंने बैक ओपन पे तैयार किया है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारी हुकाई पट्टी है एंड नीचे की तरफ मैंने देखिए डोरी लगा के इस तरह का मैंने बोट नेक के साथ ये डिजाइन है ये तैयार किया है। देखिए, मैंने इसमें बहुत ही इजी तरीका आपको कटिंग एंड स्टिचिंग करने का बताया है। इसमें आपको कंप्लीट मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर से देखिएगा। एंड देखिए, मैंने फ्रंट से इसको प्रिंसेस कट पर बनाया है। तो चलिए, अभी हम आपको इसकी स्लीव्स डिज़ाइन कटिंग करना बताएंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखिए ब्लाउज का जो आर्म होल है उसको मेजर करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे ब्लाउज का जो आर्म होल है वो है यहाँ पे 9.25 इंच। तो 9.5 इंच लेते हुए हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने ये कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लिया है प्लेन, इसी की हम डिजाइन बनाएंगे। इसमें पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों स्लीव्स की साथ में कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से हमें इसको एक बार फोल्ड करके रख लेना है इसे। इसकी मैंने चौड़ाई रखी है यहाँ पे 11 इंच। एंड देखिए, मुझे तैयार स्लीव्स की जो लेंथ है वो चाहिए 5.5 इंच। तो मैंने इसमें 1 इंच प्लस करके 6.5 इंच यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ से इसको हम 3 इंच डाउन करेंगे, 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। देखिए, एंड जो अभी हमारा आर्म होल था उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और देखिए, यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से। अभी जितनी भी हमारी स्लीव्स की मोरी है उसका हाफ यहाँ पे ले लेना है। एंड 2 इंच यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन है वो ले लेना है। और यहाँ पे सीधी लाइन है वो इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। अभी हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए, हमारी ये स्लीव्स है जैसे अपने नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कट कर ली है। देखिए, अभी यहाँ से इसमें हम कट लगाएंगे। देखिए, यहाँ से बंद वाली साइड है। तो यहाँ से हमें देखिए 2 इंच पे एक निशान लगाना है इसे। एंड यहाँ पे हमें नीचे की तरफ 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है और ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। देखिए, मैंने यहाँ से इसको 2 इंच लिया है एंड लेंथ में यहाँ से मैंने इसको 3 इंच लिया है। और यहाँ से देखिए राउंड शेप है वो ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, जैसे अपने ब्लाउज में हम कोल्ड स्लीव्स बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसको यहाँ से कट कर लेना है। बाद में हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। अभी हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के इसको कट कर लेना है। और ये हमारा प्लेन फैब्रिक है, इसका यूज हम इसके डिजाइन बनाने में करेंगे। तो चलिए गाइस, अभी हम आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग बताते हैं। देखिए, हमें जो स्लीव्स का अस्तर का कपड़ा है इसको हमें जो स्लीव्स की राइट साइड है इसके ऊपर रख के इसको पिनअप कर लेना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से राउंड शेप में। हमें ये सिलाई हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे लगा लेनी है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। एंड यहाँ से देखिए, अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर से कट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अभी देखिए, इस अस्तर को हम ऐसे सीधा करते हुए एक सिलाई हमें अस्तर के ऊपर लगानी है। यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक पे नहीं लगानी, तो अस्तर पे एक सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से। तो इसी जो हमारा ये शेप है एकदम फिनिशिंग से रहेगा, इसीलिए हमें एक सिलाई लगानी है।
इसके बाद हम एक सिलाई यहाँ पे इस मेन फैब्रिक के ऊपर भी लगा लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें हम चारों ओर सिलाई लगा के इसको पैक कर लेंगे और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी यहाँ से कट कर लेना है। तो देखिए मैंने चारों ओर इसमें सिलाई लगा ली है। अभी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने देखिए यहाँ से कट कर लिया है। तो अभी देखिए जो हमने प्लेन फैब्रिक लिया है उसमें हम प्लेट्स है वो बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इस कपड़े में प्लेट्स है वो बनानी है। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी हमें प्लेट्स लगा लेनी है। पहले हम एक साइड में सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो अभी देखिए इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड भी देखिए प्लेट्स को ऐसे करते हुए यहाँ पर भी हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें कंप्लीट ये गैदरिंग कर लेनी है दोनों ही साइड। और इसके बाद देखिए हमने जो ये पीस कट किया था स्लीव्स में से इस पीस को हम यहाँ पे रखेंगे और आधा इंच जितना बाहर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए इसको मार्क कर लेंगे एंड इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे पहले तो हम, और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे। देखिए तो इस तरीके से हमारा पफ है ये बनेगा। देखिए अभी देखिए स्लीव्स को हम इस पफ के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई ली है। देखिए अटैच होने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा ये। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी यहाँ से कट कर लेंगे और देखिए इसके ऊपर मैं एक ये लेस लगाऊंगी। तो इसके राउंड शेप में हमें ये लेस है वो अटैच कर लेनी है इस तरीके से, इससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस है वो अटैच कर ली है और देखिए हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके से आएगी। अभी हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए मैंने एक उड़े पट्टी कट कर ली है और इसको टू फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है यहाँ पे इस तरीके से। अभी इसको हम नीचे की तरफ करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे तो ये हमारी गुम पाइपिंग इस तरीके से लग जाएगी। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इसी तरीके से देखिए मैंने दोनों स्लीव्स है वो रेडी कर ली है। अभी हम इसको ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। तो देखिए हमें स्लीव्स का सेंटर पार्ट बना लेना है और यहाँ पर रखते हुए इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। जैसे हम अपनी नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं सेम उसी तरीके से इसको अटैच कर लेना है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव्स है वो ज्वाइन कर लेनी है। एंड देखिए हमारा ब्लाउज है वो तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए ये डिजाइन। तो इस ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप इसे ज़रूर से देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो देखिए इस स्लीव्स की वजह से इस ब्लाउज का लुक है वो कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं गाइज। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।